हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो जैसे कि आपको पता है कि नोटिस ऑलरेडी आ चुका है साइट पर, आप अपने सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी मैंने देखा था कि बहुत सारे मेल्स हैं ये पूछने के लिए कि मैम किस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनका भी JRF क्लियर हुआ है जून 2019 में, या फिर आपका LS हुआ है UGC से हो या फिर JRF से, तो उसको आप किस तरह से ले सकते हो, मैं आपको पूरा प्रोसीजर आज बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने जाके गूगल पर लिखा है CSIR नेट जून 2019, तो यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आती है, इसको ओपन करते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो न्यूज़ में नोटिस रिगार्डिंग इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट्स टू जॉइंट CSIR UGC टेस्ट फॉर JRF एंड एलिजिबिलिटी फॉर लेक्चररशिप जून 2019 क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो इसको भी देखते हैं क्या दिया हुआ है नोटिस में। तो यही है इनकी ऑफिशियल PDF। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो है PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहली बात ना, एकदम ध्यान से सुनना, बाद में क्वेश्चन नहीं आने चाहिए कि मैम ये वाला क्या होगा, मैं सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका JRF हुआ है CSIR से। अब आपको पता होगा कि जो JRF होते हैं आपके दो कैटेगरी में आते हैं, या तो होता है JRF CSIR से या फिर होता है JRF UGC से। तो आपको अपनी जो मार्क्स स्टेटमेंट है उसमें देखना है कि आपका JRF UGC से है या फिर CSIR से। इसमें आपका जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा अगर आप PhD करेंगे उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो अगर आपका JRF जो है CSIR से है तो आपको CSIR को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, उनका एड्रेस अलग होगा। अगर आपका UGC से हुआ है उनका प्रोसीजर अलग है। तो पहले आप ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है रिजल्ट इन Part 1, तो Part 1 कौन सा है? ऐसे कैंडिडेट्स जिनका CSIR से JRF हुआ है या फिर CSIR से JRF LS हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना, CSIR से जो LS नहीं होता है कभी भी, अगर आपका सिर्फ लेक्चररशिप हुआ है, मतलब सिर्फ नेट क्लियर हुआ है, तो आप CSIR के पास नहीं भेजेंगे। ये सिर्फ वो वाली कैटेगरी है जिनका JRF हुआ है या फिर उन्होंने अप्लाई किया था JRF और नेट दोनों के लिए, तो सिर्फ उन वाले कैंडिडेट्स के लिए है। ठीक है, सिर्फ मतलब ओनली JRF और JRF प्लस नेट उनके लिए है ये वाला। तो क्या करेंगे, जिनका क्लियर हुआ है जून 2019 में, उनको ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं CSIR को। ठीक है, तो सेंड कैसे करेंगे आप? तो देखो, अभी ना लेने के दो प्रोसीजर होते हैं। इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि अगर आप कहीं दूर रहते हो, मतलब आप ना दो प्रोसीजर होते हैं, एक तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट इनके पास भेज सकते हो, आपका जो सर्टिफिकेट है बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा। एक तो ये प्रोसीजर है। दूसरा प्रोसीजर ये होता है, अगर आप चाहो तो दिल्ली में जो इनका है CSIR का जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जाके अपना सर्टिफिकेट कलेक्ट कर सकते हो। अगर मैं आपको अपना बताती हूँ पर्सनली, तो मैंने वहाँ से जाके कलेक्ट किया था, तो आप भी चाहो तो कलेक्ट कर सकते हो वहाँ से जाके। डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ भी यही वाले चाहिए होंगे, तो आप इन पर्सन वहाँ पर जाके ये वाले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ उनको, वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। इन सब के आपको फोटोकॉपी लेके जानी पड़ेगी और ओरिजिनल लेकर जाने पड़ेंगे अगर आप इन पर्सन कलेक्ट करना चाहते हो वहाँ पर जाके। तो वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो आपके फोटो स्टेट्स हैं उनको अपने पास रखेंगे फोटोकॉपीज को, और आपको अपना सर्टिफिकेट दे देंगे साइन करा के। तो ये वाला प्रोसीजर तो उनके लिए है। अगर आप बाय पोस्ट भेजना चाहते हो, आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेंड करने हैं, तो सबसे पहले आता है आपकी मार्क्स स्टेटमेंट। जो आपने रिजल्ट आपका आया होगा जिसमें मार्क्स स्टेटमेंट आपने डाउनलोड करी होगी साइट से, अभी भी डाउनलोड कर सकते हो शायद, जाके देख लेना साइट पर। अपना रोल नंबर आप डालेंगे, वहाँ से आपकी मार्क्स स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगी। तो वो मार्क्स स्टेटमेंट का आपको क्या, जो स्कोर कार्ड आपका है जिसको मार्क्स स्टेटमेंट हम बोलते हैं, उसका आपको प्रिंट आउट लेकर जाना है वहाँ पर। उसके बाद आता है आपका एडमिट कार्ड। जो आपका एडमिट कार्ड था जहाँ पर आपका सेंटर लिखा हुआ है, वो आपका एडमिट कार्ड आपको बाय पोस्ट भेजना है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास वो एडमिट कार्ड नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है गुम हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं रखते बाद में, क्योंकि रिजल्ट बहुत टाइम बाद आता है तो नहीं रहता है हमारे पास। तो एडमिट कार्ड जिसका गुम हो गया है या फिर नहीं है, कहीं पे भी मिसप्लेस हो गया है, अभी नहीं मिल रहा है, तो एक दो मेथड हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपने एडमिट कार्ड जो वो PDF डाउनलोड करी होगी, आपके फ़ोन में पड़ा होगा, वहाँ से चेक कर लो। अगर आपके पास वहाँ पर भी नहीं है तो साइट से ट्राई करो लॉगिन करने का, आपका जो एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उससे लॉगिन करना ट्राई करो। अगर आप वो भी भूल गए हो, इनकेस वहाँ पे फॉरगॉट पे क्लिक करके देखो जनरेट कर पा रहे हो ईमेल आईडी पे या नहीं, अगर ये सब ट्राई करो। अगर वो वाला लिंक अभी नहीं है साइट पर, एक्टिव नहीं है, तो कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे याद है जब मैं लेने के लिए गई थी मेरे पास एडमिट कार्ड नहीं था, उन्होंने कहा कोई बात नहीं एडमिट कार्ड नहीं है, मार्क्स स्टेटमेंट तो है ना, तो वो मार्क्स स्टेटमेंट से भी आपका दे देते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही कि सब बिना एडमिट कार्ड के भेज दो, बट अगर आपके पास नहीं तो कोई इश्यू नहीं है बहुत बड़ा, आपका आ जाएगा बिना एडमिट कार्ड के भी। ठीक है, लेकिन अगर है तो पोस्ट से भेज देना और ट्राई करो अगर मिल जाए तो। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है आपका डॉक्यूमेंट 10th क्लास का आपका सर्टिफिकेट, जो आपकी मार्कशीट है, मतलब आपको वो भेजनी है 10th क्लास वाली। इन सबकी फोटोकॉपी आपको भेजनी होती है। ठीक है, तो आपको मतलब ये क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ है वो आपकी 10th क्लास में जो भी लिखे हुए वो वाली मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ सर्टिफिकेट, जो है आपका
डिग्री और प्रोविजनल डिग्री ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम दैट इज एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री. मतलब आपका जब एमएससी आपकी हुई है तो उसका या तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेज दो या फिर अपनी जो आपकी डिग्री है वो भेज दो, और ये सबके फोटो कॉपी भेजने, ओरिजिनल मत भेज देना, ठीक है. उसके बाद जो फिफ्थ आता है वो आती है आपकी फाइनल मार्कशीट. मतलब एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट. अब कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, डिग्री बहुत जल्दी मिल जाती है, जैसे आपकी एमएससी कंप्लीट हुई उसके बाद आपको डिग्री मिल गई तो आप डिग्री जो है उसको मतलब वहाँ पे डिग्री की फोटोकॉपी भेज दो. अब क्या होता है, जैसे डीयू में भी है कि डिग्री जो होती है 2 साल के बाद आती है, तो आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है. तो जिसके पास डिग्री नहीं है वो फोर्थ पॉइंट देखो, वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भेज सकते हैं वहाँ पर. और फिफ्थ पॉइंट, आपको मार्कशीट भेजनी है अपनी, फाइनल मार्कशीट विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स. अब कुछ कॉलेजेस में होता है कि एक ही मतलब एक ही पेपर पे, या फिर लगा लो कि टू साइडेड पेपर पर आपके सारे मार्क्स लिखे होते हैं चारों सेमेस्टर के, लेकिन कुछ में क्या होता है अलग अलग मार्क्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सारे आपके सारे सेमेस्टर्स के मार्क्स को आपको भेजना है उनके पास. मतलब जितने भी, अगर आपके हर सेमेस्टर की अलग से मार्कशीट आती है तो आपको हर सेमेस्टर की मार्कशीट को फिर भेजना पड़ेगा स्कैन करके, ठीक है, क्योंकि उनको ओवरऑल मार्क्स चाहिए. अगर आपके कॉलेज में जो सिक्स पॉइंट है वो आता है, अगर वहाँ पे परसेंटेज नहीं है, आप अगर मतलब आपके मार्क्स जो है वो CGPA की फॉर्म में आते हैं, SGPA या फिर OGPA इनकी फॉर्म में आते हैं, तो आपका जो भी कॉलेज का कन्वर्जन फॉर्मूला जो है जिसमें आपका CGPA कन्वर्ट होता है परसेंटेज में, तो जो भी वो ऑफिशियल वाला है आपको वो कन्वर्जन फॉर्मूला का जो भी आपके पास कुछ होगा आपके कॉलेज के साथ सबको मिलेगा, वो आपको बाय पोस्ट उनको भेजना है, ठीक है. और फिर उसके बाद उसके बाद आता है आपका बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स या फिर पीरियड इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्री. इसका मतलब मुझे नहीं पता ये क्या है, मतलब ऐसा मैंने तो कुछ ऐसा सेंड नहीं किया था, आई डोंट नो ये क्या है. ड्यूअल डिग्री में क्या कहना चाह रहे हैं मुझे इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मैं नहीं बताऊंगी. उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम एट्थ पे, क्या है SC ST सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल. अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हो, रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपना सर्टिफिकेट भी सेंड करना पड़ेगा. ऐसे ही नाइन्थ पॉइंट जो है लेटेस्ट OBC कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर, ये सब आप देख लेना. देन कम्स PWD सर्टिफिकेट शुड बी सबमिट, आपको सबमिट करना है. देन EWS कैटेगरी सर्टिफिकेट, जिन्होंने अपना फॉर्म फिल किया होगा EWS कैटेगरी से उनको अपना सेंड करना है EWS सर्टिफिकेट. और जिसका फॉर्मेट रहेगा वो आपका अपेंडिक्स 5 में इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है CSIR नेट की, जो मतलब जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो आया होगा उसमें अपेंडिक्स 5 में जो भी फॉर्मेट है वो वाला फॉर्मेट, आपको उस वाले फॉर्मेट में आपको अपना EWS सर्टिफिकेट भेजना है, ठीक है. और हाँ, उसके बाद ये है ऐसे कैंडिडेट्स जो अभी मान लो या तो अपने सेकेंड सेमेस्टर में हैं, जिनकी मतलब अभी MSc कंप्लीट नहीं हुई है, तो जिन्होंने रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई किया था, तो वो अभी नहीं भेज सकते अपने सर्टिफिकेट, उनको वेट करना पड़ेगा अपने फाइनल रिजल्ट का. जब आपकी MSc कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप अपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स भेज पाएंगे, फाइनल मार्कशीट और ये, तो आपको वेट करना पड़ेगा अपनी MSc कंप्लीट होने का, उसके बाद ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है. तो मुझे लग रहा है ये वाला क्वेश्चन आप फिर से पूछोगे, तो बता रही हूँ रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी जिन्होंने अप्लाई किया है, जिनकी MSc अभी तक भी कंप्लीट नहीं हुई है, तो उनको वेट करना पड़ेगा अपनी MSc कंप्लीट होने का, उसी के बाद आपको अपना GRF या फिर GRF प्लस LS का सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है. देन दे हैव रिटन कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द अबव मैंशन डॉक्यूमेंट्स बाई ऑर्डनरी पोस्ट. आपको ये ऑर्डनरी पोस्ट से भेजना है, और एड्रेस क्या रहेगा, सेक्शन ऑफिसर सर्टिफिकेट सेक्शन HRD ग्रुप CSIR कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी एवेन्यू रोड पूसा न्यू डेली. और आपको यहाँ पर आपको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स पोस्ट करने हैं. अगर आप जाके खुद से कलेक्ट करना चाहते हो, दिल्ली के कहीं आसपास रहते हो, तो आप खुद जाके इसी वाले एड्रेस पे आप जा सकते हो, CSIR कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर जाके आप अपना कलेक्ट कर सकते हो. और इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट्स जो अपना सेंड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, तो उनको एनवेलप पे लिखना होगा डॉक्यूमेंट्स फॉर June 2019 CSIR GRF LS पार्ट 1 रिजल्ट और नेट एग्जाम एंड रोल नंबर. आपको अपना रोल नंबर भी एनवेलप पे लिखना है, ठीक है. इन्होंने फिर नोट में यहाँ पर डाला हुआ है, इन केस देयर इज एनी चेंज इन द मेलिंग एड्रेस मेंशन इन योर एप्लीकेशन फॉर्म काइंडली सेंड द फुल एंड कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द न्यू प्रेजेंट एड्रेस. आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे मान लो आपका एड्रेस कुछ और था, अब आप शिफ्ट कर रहे हो कहीं और, आपका मतलब आपने शिफ्ट किया है तो नया एड्रेस जो भी है, तो आपको अपना नया एड्रेस वहाँ पर अच्छे से अबव डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको भेजना है, ताकि जो आपका सर्टिफिकेट है वो करेक्टली आपके पास पहुँच जाए, ठीक है. तो ये ध्यान रखना, अगर एड्रेस चेंज हुआ है तो उनको नोटिफाई आपको करवाना ज़रूरी है, तो आपको डिटेल्स जो है प्रेजेंट एड्रेस की वो भी आपको उसके साथ ही पोस्ट करनी है, ठीक है. देन एज मैंशनड इन द रिजल्ट नोटिफिकेशन द फेलोशिप इज वैलिड फॉर 2 ईयर्स. अच्छा, अब ये क्वेश्चन रहता है कि मैम जिनका GRF हुआ है तो अब वो 2 ईयर्स के लिए वैलिड है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है वो डेट क्या रहेगी आपकी. ये स्टार्ट होगा जो 2 ईयर्स का पीरियड है वो स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2020 से, तो आपका कब तक वैलिड रहेगा, 1 जनवरी 2022 मतलब 2022,
ठीक है, तो आपको 2 साल तक होता है, तो यहाँ पे 2020 से स्टार्ट होकर 2022 तक आपका चलेगा। तो उसके बीच में आप पीएचडी के लिए अप्लाई अगर करते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके बाद आपका जेआरएफ एक्सपायर हो जाता है, अगर आपको फिर पीएचडी करोगे तो फिर से देना पड़ेगा पेपर। और जो टेंटेटिव डेट है जिसमें आपके इशू स्टार्ट हो गए हैं सर्टिफिकेट में, तो 14 अक्टूबर है, तो अभी तो आप मतलब अभी तो आपको मिल ही रहा होगा, ठीक है, तो अभी आप जाके अपनी पोस्ट कर सकते हो। तो ये वाली बात हुई उन कैंडिडेट्स की जिनका जेआरएफ हुआ है या फिर जेआरएफ प्लस एलएस हुआ है सीएसआईआर से। अब वो वाले कैंडिडेट्स आते हैं जिनका जेआरएफ हुआ है यूजीसी से। तो यहाँ पे दो तरह की कैटेगरी है, एक तो वो जिनका जेआरएफ हुआ है यूजीसी से, और सेकंड कैटेगरी आती है जिनका सिर्फ एलएस हुआ है। तो जिनका सिर्फ एलएस होता है तो वो यूजीसी से माना जाता है। एलएस वाले बच्चे सिर्फ मतलब जो एलएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो यूजीसी से आते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स टू कैंडिडेट्स हैविंग देयर रोल नंबर्स इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विल बी इंटीमेटेड शॉर्टली। मतलब आपको अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है उनके लिए, तो ये सिर्फ उनके लिए है जिनका सीएसआईआर से जेआरएफ हुआ है या फिर सीएसआईआर से एलएस प्लस जेआरएफ हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ यूजीसी वालों का क्या प्रोसीजर रहता है। यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है, बट जो प्रोसीजर रहेगा मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको यूजीसी की साइट ओपन करनी है, ठीक है। यूजीसी की साइट पर आप जाएंगे, वहाँ पर जाके लिखेंगे, जैसे आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर। तो यूजीसी नेट जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखो जिनका फर्स्ट होम पेज है इसी पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट ऑफ यूजीसी नेट। मतलब जिनका नेट हुआ होता है ना वो डायरेक्टली अपना यहाँ से एलएस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, और जो यूजीसी जेआरएफ वाले हैं उनको भी यहाँ से मिल जाता है, तो उनको भी ऐसे ही करना होता है। तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पे क्लिक हेयर टू डाउनलोड ई सर्टिफिकेट ऑफ जून सीएसआईआर यूजीसी टेस्ट फ्रॉम दिसंबर 2016 ऑनवर्ड्स। तो अगर आपका दिसंबर 2016 के बाद अगर आपका क्वालिफाई हुआ है एलएस तो आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, उसका डाउनलोड करके प्रिंट ले लेना। अब इनका एक प्रोसीजर रहता हैव यू जनरेटेड योर पासवर्ड थ्रू ओटीपी आफ्टर 1/9/2017। तो मैं मान रही हूँ कि आपने जनरेट नहीं किया है, तो हम यहाँ पे नो करते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका पेपर आपने दिया उसका आप रोल नंबर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, एग्जाम सेशन फिल करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे आ जाएगा दिसंबर 16, जून 17, दिसंबर 17, ये सब आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जून 19 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो जो वो वाला अपने पास नोटिस आया था ना वो सिर्फ सीएसआईआर वालों का था, मतलब जिनका सीएसआईआर से जेआरएफ हुआ है या फिर जेआरएफ प्लस नेट हुआ है वो कर सकते हैं। अभी इसके लिए रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं आई है, थोड़े दिन में अपडेट हो जाएगा। तो इससे पहले कि अगर आपको कोई नेट का है सर्टिफिकेट आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आप ये एंटर करेंगे, लॉग इन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें आपका ओटीपी जनरेट करवाता है, आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करेगा, इस तरह से करके लास्ट में अपना लास्ट में मतलब डाउनलोड करवा देगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना जो नेट का सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा लो अच्छे से, कलर्ड प्रिंट आउट ले लेना उसका, ठीक है। उसके बाद आपको अच्छे से लेमिनेट करवा लो, फिर वही है आपका नेट का मतलब सर्टिफिकेट। अब क्या होता है उस सर्टिफिकेट पर ना, मेरे पास भी है वो, तो उसमें लिखा होता है, उसमें एक लाइन लिखी होती है कि जो ये सर्टिफिकेट जो आपका जनरेट हुआ है ना ऑनलाइन, ये जो डिटेल्स आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाली थी नेट का फॉर्म फिल करते टाइम उनके बेसिस पे जनरेट किया गया है। तो आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करोगे फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, तो जिसके लिए भी अप्लाई करोगे, तो फिर वो उस कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करे। तो क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिस्टम आपको जनरेट करके दे रहा है आपका सर्टिफिकेट, तो उसको वेरीफाई कौन करेगा, जिस भी कॉलेज में आप जाएंगे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो वो फिर चेक करेंगे आपके ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसीजर रहता है। आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और अभी के लिए ये बात है कि सिर्फ सीएसआईआर का जेआरएफ की इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है, जिनका एलएस हुआ है या फिर यूजीसी से जेआरएफ हुआ है जून 2019 में, उनको भी वेट करना पड़ेगा नोटिफिकेशन का। तो सिर्फ इतना ही था इस वीडियो में, आई होप हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।